यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। रविवार को टाउनशिप क्षेत्र में अनेक वाहन चालकों से जुर्माना वसूल कर वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की गई। जिले की ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों को नजरअंदाज कर वाहनों का परिचालन कर रहे वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए प्रत्येक चौक चौराहों पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है, जो दो पहिया और चार पहिया वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आधा अधूरा दस्तावेज पाए जाने पर वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है, साथ ही वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई को लेकर यातायात पुलिस के सिविक सेंटर जोन प्रभारी ने जानकारी दी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों के पास दुपहिया चौपहिया वाहन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है और जो सुरक्षा के जरूरी उपाय हैं वो कोई कर नहीं रहे। दुपहिया में हेलमेट लगाना है या चार पहिया में सीट बेल्ट लगाना है, पेपर्स पूरे रखने हैं, लाइसेंस बनवाना है, तो बीच बीच में जो कार्रवाई चलती है उनको थोड़ा सा तेज़ किया जा रहा है ताकि हादसे से बचने के लिए जो जरूरी उपाय हैं वो लोग समझें, नियम क्या है, हाजत रखना है, नियम का पालन करना है। ये देखिए आजकल तो सब ऑनलाइन चेक भी हो जाता है और दस्तावेज तो पूरे चेक होते हैं और जो मोबाइल में भी लेके चलेंगे, फोटो कॉपी रखें या ओरिजिनल रखें, अगर उसके म्याद ख़त्म हो गया है तो वो पता चल जाता है चेक में, उसके फाइन होते हैं जो भी निर्धारित अर्थदंड है उसे लिया। बहरहाल अधिकारियों ने यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई किए जाने की बातें कही हैं, जिसके लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष टीम गठित की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।